बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। ये पूर्ण रूप से सबकी सहमति से हुआ है और न इसमें किसानों को, नौजवानों को, किसी को हताश होने की जरूरत है। बहुत बढ़िया सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम हुआ और ये पूरे जो लोग हमारे थे, पूरे कमेटी के लोग थे, इन्होंने बादस्तूर अपना पूरा काम करा है। हमारे जितने वॉलंटियर्स लगे हुए थे सबने अपना काम करा है और पूर्ण रूप से अपने लोगों को बगैर हानि पहुंचाए। वे सब लोग हमारे 5 और 6 बजे तक पूरे दिल्ली से बाहर आए। यह हमारा सक्सेसफुल आंदोलन हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है और हम आगे भी जो भी प्रोग्राम होगा उन सभी जो ट्रैक्टर लेकर आए हैं उनका सबका धन्यवाद भी करते हैं। ये बहुत दूर दूर से लोग ट्रैक्टर लेकर यहाँ पे आए, उनकी भावनाओं की पूर्ण रूप से कदर करी गई और आगे जो भी प्रोग्राम होगा वो हम बताते रहेंगे और अगर कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है, लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए कोई लाल किले के ऊपर और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है। पूर्ण रूप से किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी और खास करके पंजाब को देश से अलग करने का एक जो षड्यंत्र था। अब यहाँ के जो पंजाब के जो किसान है वो दूसरे देश से अलग हो जाए वो नहीं होगा। पूर्ण रूप से ये पूरे देश के किसानों का संगठन है, पूरे देश का किसानों का संगठन रहेगा। यह आंदोलन बादस्तूर जारी रहेंगे और जो इन्होंने पर्चे दाखिल करे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आंदोलन होंगे तो पर्चे भी दाखिल होंगे, उससे कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ये सभी आंदोलन की तरफ से और आंदोलनकारियों की तरफ से है। ये पूर्ण रूप से हमारे सभी लोग उसी तरह से लंगर भंडारे उसी तरह से प्रोग्राम अपने हमेशा करते रहेंगे।